महाकाल के भक्तों के लिए आज एक अच्छी खबर है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में अब फिर से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। एक साल पांच महीने बाद आज श्रद्धालु फिर से भस्म आरती में शामिल हुए। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान 16 मार्च 2020 से बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा था। तब से लेकर अब तक भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो रहे थे। आज से भस्म आरती में कुछ नियम कायदों के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश मिल गया है। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग जरूरी होगी। गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में बैठकर श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो पाएंगे। आज भस्म आरती में ऑफलाइन निःशुल्क 150 लोगों को प्रवेश दिया गया। 350 लोगों को 100 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा प्रवेश मिला। इसके अलावा मंदिर के पुजारी, पुरोहित और जिला प्रोटोकॉल के सदस्यों को 200 रुपए शुल्क के साथ प्रवेश दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, तो जिस तरह से महाकाल के दर्शनों के लिए आज लोग पहुंचे हैं, कितना उत्साह उनके अंदर दिख रहा है? जी बिल्कुल, बाबा महाकाल की भस्म आरती पूरे कोविड के दौरान बंद रही और 16 मार्च से ये पूरी जो है भस्म आरती बंद थी, जिसके बाद अभी शुरू हुई है। तो आज जाकर ये बड़ा दिन है श्रद्धालुओं के लिए, जो भस्म आरती शुरू हुई है, तो काफी ज्यादा उत्साह लोगों में था और काफी ज्यादा लोगों जो है भस्म आरती देखने के लिए काफी दिनों से प्रशासन मांग भी कर रहे थे। तो यही आज मौका था कि प्रशासन ने ये मौका पूरा श्रद्धालुओं को दिया है। ये बैठक जो है की गई थी कुछ दिन पहले, तो इसमें निर्णय जो है उच्च शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि आज के दिन भस्म आरती शुरू करना है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को जो है आना था, लेकिन कोविड भी चल रहा है फिलहाल में अभी, फिर भी तो उसी की एक क्षमता भी जो है प्रशासन ने तय कर रखी है। तो 150 लोगों को जो है भस्म आरती का निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और 350 लोगों को 100 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन बुकिंग के साथ प्रवेश दिया गया है। तो ऐसे करके जो है श्रद्धालुओं को अंदर एंट्री दी गई। जी आशीष, और कितने श्रद्धालु यहाँ पर सुबह दर्शन करने के लिए पहुंचे भस्म आरती में? जी इसमें अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की जो बुकिंग के लिए जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी है उसमें करीबन 300 से 400 अभी शुरुआत में करे हैं, और जिससे आगे बढ़ती आएगा क्रम लगता है सही व्यवस्था हो पा रही है, तो सबसे श्रद्धालु संख्या जो प्रशासन बढ़ा सकता है। धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर रही है और आज से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने ओबीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी को लेकर एक अलग समिति बना दी है। समिति का काम पिछले वर्ग से संबंधित मामलों को देखना होगा।